आज हम विंडो की वेबसाइट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और हमने सिलेक्शन टूल ही सिलेक्ट रखा हुआ है और हमने सबको जो है सिलेक्ट करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने सबको जो है सिलेक्ट कर लिया है सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने इसे जो रिमूव करवा दिया। और हम जो है मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं और हमने जो बटन को सेलेक्ट कर लिया और हमने बटन को जो थोड़ा सा ऊपर इधर मूव करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हमने सबको जो सेलेक्ट करवा लिया सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने इसकी जो है अब डुप्लीकेट करवा दी है और हमने इसे जो है अप डाउन की तरह मूव करवा रहे हैं और हमने इसे जो है डाउन की तरह मूव करवा दिया और हमने जो है जूम इन करवा दिया है और हमने आइकन और इमेज को जो है रिमूव करवा दिया और हमने हेडिंग को और स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसे जो है राइट साइड मूव करवा दिया और हमने अब पैराग्राफ को भी जो है राइट साइड मूव करवा दिया और हमने सबको जो है सेलेक्ट करवा लिया सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने इसे जो थोड़ा सा लेफ्ट लाइन करवा दिया। और अब हम जो है डमी जो है हेडिंग टाइप कर रहे हैं, आप भी ऐसे डमी हेडिंग टाइप कीजिएगा। और हमने जो है क्वालिटी जो है हेडिंग टाइप कर ली है और हम जो है मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। क्वालिटी सर्विसेज एंड एक्सीलेंट वर्क जो है हमने डमी जो है हेडिंग टाइप कर ली है और हमने जो है सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने पैराग्राफ का साइज थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है और हमने पैराग्राफ को भी जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा दिया और हमने जो इमेजेस जो है सेलेक्ट करवा रहे हैं और हमने इमेजेस जो है सेलेक्ट करवा दी हैं और हम इनकी जो डुप्लीकेट करवा रहे हैं और हमने जो अब इन्हें डाउन की तरफ मूव करवा रहे हैं और हमने इसे जो अब डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और हम इसे जब सेट करवा रहे हैं, आप भी इसे सेट करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से। और अब हम जो इमेजेस जो अलाइन करवा रहे हैं, आप भी इसे सेट करवाइएगा और हमने इमेजेस जो है अलाइन करवा दी हैं और हमने इसे जो ग्रुप करवा लिया और हमने इसे जो अब ऊपर की तरफ मूव करवा दिया और हमने इमेजेस का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने सबको जो सेलेक्ट करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने इसकी जो डुप्लीकेट ले ली है और हम इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा रहे हैं और हमने जो ग्रुप करवा लिया कंट्रोल जी से और हम जो इसे डाउन की तरफ मूव करवा रहे हैं और हमने इसे जो अब डाउन की तरफ मूव करवा दिया और हमने जो जूम इन करवा दिया है और हम जो है डमी जो हेडिंग टाइप कर रहे हैं, आप भी ऐसे डमी हेडिंग टाइप कीजिएगा और हमने जो है डोर सर्विस से जो डमी टेक्स्ट जो टाइप कर लिया है और हम जो है मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। फाइंड योर ड्रीम डोर नाउ, हमने जो है डमी टेक्स्ट जो टाइप कर लिया है और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो जूम आउट करवा दिया और हमने कंट्रोल वाई करवा लिया और हमने सबको जो सेलेक्ट करवा लिया और हमने जो कंट्रोल वाई करवा के एन ग्रुप करवा लिया है और अब हमने जो अगेन जो कंट्रोल वाई करवा लिया और हमने सबको जो सेलेक्ट करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने इसे जो अब ग्रुप करवा लिया और हमने अगेन जो कंट्रोल वाई करवा लिया और सबको जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसे जो है लेफ्ट लाइन करवा दिया है और हमने बाकी चीज़ों को जो है राइट साइड मूव करवा दिया।
सिलेक्शन टूल की मदद से। और अब हम जो है मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं, और हमने डमी जो टेक्स्ट टाइप कर लिया है सॉलिड वुड। इसी तरह से हम मज़ीद जो डमी टेक्स्ट जो है टाइप करेंगे, और हमने जो टेक्स्ट जो है टाइप कर लिया, और हमने इसे जो सेंटर लाइन करवा लिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, और हमने जो है सॉलिड वुड को भी जो है सेंटर लाइन करवा दिया। और हम जो है मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं, और हमने जो फ्रेंच क्लब भी जो है हमने डमी जो टेक्स्ट टाइप कर लिया है, और हमने इसे जो सेंटर लाइन करवा दिया। और जहाँ विंडोज़ लिखा हुआ था वहाँ हमने डोर्स जो है टाइप कर लिया है। और अब हम जो है इमेजेस जो है ड्रैग करवा के ले आए डोर की। अब हम जो है इमेजेस जो सेट करवा रहे हैं, और हमने इनका साइज़ जो थोड़ा सा छोटा करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से, और हमने इसे जो है रेक्टेंगल की तरह मूव करवा दिया। और हमने बाकी की चीज़ों को जो है सेलेक्ट कर लिया, और हमने इसे जो है वन ग्रुप करवा लिया है, और हमने जो है विंडो जो है रिमूव करवा रहे हैं। और हमने इमेज का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा दिया, और हमने इसे जो रेक्टेंगल की तरह मूव करवा दिया है। और हमने पहले वाली इमेज जो है रिमूव करवा दी, और हमने इसकी डुप्लीकेट ले ली, और हमने इसे जो राइट साइड मूव करवा दिया, और हमने सबको जो सेलेक्ट करवा लिया सिलेक्शन टूल की मदद से, और हमने इसे जो ग्रुप करवा लिया कंट्रोल जी से, और हमने इसकी डुप्लीकेट ले ली, और हमने इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया, और हमने पहले वाली जो है रिमूव करवा दी विंडो। और हमने जो जूम आउट कर लिया है, और हमने हेडिंग और स्टॉक को जो सेलेक्ट कर लिया, और हमने इसकी जो डुप्लीकेट करवा दी है, और हमने इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा रहे हैं, और हमने इसे जो ग्रुप करवा लिया कंट्रोल जी से, और हमने इसे जो अब डाउन की तरफ मूव करवा दिया। और हमने जो जूम इन करवा दिया है, और हमने फुटर को सेलेक्ट करवा लिया सिलेक्शन टूल की मदद से, और हम इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा रहे हैं। और हमने इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया, और हमने लोगो जो रिमूव करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो है अवर ब्लॉक की जो हेडिंग जो टाइप कर ली है, और हमने इसे जो सेंटर लाइन करवा दिया। लेटेस्ट न्यूज़ जो हमने डमी जो टेक्स्ट टाइप कर लिया है, और हमने जो है अनग्रुप करवा लिया, और हमने इमेज जो है सेलेक्ट कर ली है, और हमने इसे जो है अप डाउन की तरफ मूव करवा दिया है, और हमने जो जूम आउट कर लिया, और हमने इमेज का साइज़ जो थोड़ा सा बड़ा करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने इमेज को जो राइट साइड मूव करवा दिया, और हमने जो जूम इन करवा दिया है, और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से अब रेक्टेंगल को सेट करवा रहे हैं, आप भी इसे सेट करवाइएगा। और हम जो है राइट साइड वाली इमेज को सेट करवा रहे हैं, और हमने रेक्टेंगल का साइज जो थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है,
और हमने इमेज को भी सिलेक्ट कर लिया और हमने इमेज को भी जो थोड़ा सा लेफ्ट राइट करवा दिया। और हमने जो जूम आउट कर लिया और हमने हेडिंग को थोड़ा सा जो ऊपर इधर मूव करवा दिया है और हमने सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है। और हमने काफ़ी हद तक जो वेबसाइट जो रेडी कर ली है। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।